हेलो स्टूडेंट्स, एक और अपने क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो ये जो क्वेश्चंस है इससे जो पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस लिया था वैसा ही है। इसमें भी क्या इंटरवल दिया हुआ है, ये कह रहा है छाड़ी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंक 45 से कम है। ये टेबल दी हुई है 30 से 40 में छात्रों की संख्या 31, 40 से 50 जो अंक मिल रहे हैं उसमें छात्रों की संख्या 42, 50 से 60 जो अंक मिल रहा है उसमें 51, इस प्रकार 60 से 70 के मध्य जो अंक मिल रहा है उसमें छात्रों की संख्या कितनी है 35, और 70 से 80 के बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं 31। इस प्रकार हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेंगे, आर्गुमेंट्स और छात्रों की संख्या, यानी 40 से कम कितने लेंगे 31, 50 से कम 42 और ये ऐड हो जाएगी 37, इस सेम फिर 60 से कम ये सब ऐड कर लेंगे 124, 70 से कम तो 70 से कम देखिए 60 से 70 के बीच में 35 है उसमें ये वाले सब ऐड कर लेंगे यानी 124 ऐड करते ये क्या आ जाएगा 159, और 80 से कम 159 में प्लस ये लौट देंगे 190। इस प्रकार हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो ये 40 से कम है तो 50 से कम निकालेंगे क्योंकि 50 से कम यहाँ से जाते पूरे होंगे नहीं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 60 से कम में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 70 से कम में इन चारों को ऐड कर लेंगे और 80 से कम में इन सबको ऐड कर लेंगे। इस प्रकार हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये माइनस ये 124 माइनस 73 51, 159 माइनस 124 35, 190 माइनस 159 31। इस प्रकार फर्स्ट डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे। इस प्रकार सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ डिफरेंस निकाल देंगे। हमें किस पे 40 से कम निकालना है, एफ 45 की वैल्यू निकालना है। ए यहाँ कितना है 40 है और एच इक्वल इंटरवल है कितना है 10 है, ये 10 और ए प्लस एच जिस पे निकालना है वो 45 है। इस प्रकार हम यू कैलकुलेट कर लेंगे और हम ये जो डिफरेंस कहाँ तक आ रहा है, फोर्थ डिफरेंस तक आ रहा है। इसका मतलब हम जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो फोर्थ डिफरेंस तक देंगे, फिर अपन वो वैल्यू इस टेबल से इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू आपको पुट करनी आती है, ए की वैल्यू कितनी है 40 है और यू कैलकुलेट किया हुआ है। इस प्रकार हम सब ये कैलकुलेट करके और इसका आंसर है 45 पर 47.86 है, क्योंकि हमें क्या निकालना है छात्रों की संख्या निकालनी है इसलिए वो नियर अमाउंट होगी तो 47.86 है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम ये न्यूटन रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।